अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी जगह जो सता समंदर से 2400 फीट और इस्लामाबाद शहर से 500 फीट की बुलंदी पर मारगला की पहाड़ियों के दरमियान मौजूद है, यानी दामने को। इस जगह से आप पूरा इस्लामाबाद देख सकते हैं। आज ही हम रावलपिंडी से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से जाएंगे दामने को। ये बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट है। यहाँ पर जो पिंडी के लोग रहते हैं वो पैदल भी दामने को तक का सफ़र करते हैं, मोटरसाइकिल पर भी जाते हैं, गाड़ियों पर भी जाते हैं। सर्दियों में इस पार्क का जो टाइमिंग है 8 से 9 बजे तक है, और जो गर्मियों में इस पार्क की जो टाइमिंग है 8 से 11 रात 11 बजे तक है। हम भी जा रहे हैं जी दामने को। रास्ते में ये जी गजरों वाले भी हैं, बहुत खूबसूरत गजरे हैं और हमने भी इनसे गजरे लिए। यहाँ पे हम दामने को की साइड पर रवाना हो गए हैं और रास्ते में बहुत ही खूबसूरत मनाजर आपको दामने को के नज़र आएंगे। और बहुत ही खूबसूरत बलखाती हुई सड़कों के बीच से गुजरकर हम जी दामने को जाएंगे और साथ साथ आपको सड़कों का पूरा नज़ारा दिखाएंगे, और साथ एक छोटा सा यहाँ पे एक जंगल भी है। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। जब भी आप इस्लामाबाद आएँ तो इस जगह पर ज़रूर आएँ। ये बहुत ही बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एक पिकनिक पॉइंट है। हम भी सुबह तकरीबन घर से निकले हैं 9 बजे के करीब, और हल्की हल्की धूप भी है, बहुत ही खूबसूरत मौसम था। ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत रोड है। लोग यहाँ पर कुछ जगहों पे रुक के भी यहाँ पे सेल्फियाँ बनाते हैं बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पर ये सियाहों के लिए तो बहुत ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है। जो भी आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी से लोग आते हैं वो यहाँ का नज़ारा करने के लिए ज़रूर आते हैं। दामने को बहुत ही खूबसूरत जगह है। आसमान की बुलंदियों को छूते हुए पहाड़, रंग बिरंगे सरसब्ज शादाब दरख्त, पौधे और झाड़ियाँ अपनी दिलकशी की वजह से सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। आप भी जब इस्लामाबाद आए दामने को का चक्कर ज़रूर लगाएं। बहुत खूबसूरत तफरीही मुकाम है। यहाँ पर आकर कुदरत के दिल फ्रेब नज़ारों में खो जाएंगे। दामने को की तरफ से जाने वाला रास्ता इंतहाई खूबसूरती का हामिल है। यही वजह है कि इस्लामाबाद आने वाले सियाह इस जगह का विज़िट शुरू करते हैं। दामने को की तरफ जाने वाले रास्ते बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं और बिल्कुल साफ रास्ते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर लोग रुकते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वो जगह जगह खड़े होकर इन नज़ारों को कैद करते हैं। यहाँ पर जी हम भी पहुँच गए हैं दामने को, और हमने भी यहाँ पे गाड़ी का ले लिया है टोकन खड़ी करने के लिए। और यहाँ पे हमारी गाड़ी हो गई है जी एक पार्किंग में खड़ी होने के लिए। यहाँ पे मोटरसाइकिलों के लिए लैदा पार्किंग है और गाड़ियों के लिए लैदा पार्किंग है। ये देखिए जी कितना खूबसूरत नज़ारा है। हल्की हल्की धूप निकली हुई है। यहाँ पर स्टार्ट में ही एक छोटा सा बाज़ार बना है जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर आपने बैग लेने हैं, किसी के लिए गिफ्ट लेना है, और सिंधी टोपियाँ हैं, और यहाँ पे चिप्स है, पॉपकॉर्न है, हॉट एंड स्पाइसी है, यहाँ पर कैंडी भी है, हर चीज़, यानी लाहौर के चटकारे हाउस भी। अगर आपने गोलगप्पे खाने हैं, कुछ भी लेना है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही साफ़ सुथरा मिलेगा और बहुत ही यहाँ पे आला क्वालिटी की चीज़ें हैं। यहाँ पे ग्लासेस भी अगर लेने हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर दो रास्ते जाते हैं ऊपर दामने को के लिए। ये देखिए जी, मैंने आपको घुमा के थोड़ा सा और विज़िट कराती हूँ। ये जी अब हम चल पड़े हैं जी ऊपर के लिए, जहाँ पे जो इसका मेन पॉइंट है उधर जाएंगे। ये यहाँ पे की चेन भी है, बड़े खूबसूरत हैं। हमने भी 2-3 खरीदे अपने नाम के की चेन। बच्चों के लिए झूले भी हैं, जो ये है 5 ईयर तक के बच्चों के लिए यहाँ पर झूले, और ये बहुत ही सॉफ्ट झूले हैं, बच्चे आसानी से यहाँ पर खेल सकते हैं। ये जी हम अब रास्ते से जा रहे हैं, और रास्ते में
काफ़ी हमें बंदर भी नज़र आएंगे। हम भी तकरीबन 11:30 बजे तक पहुंच गए जी दामने को, और अब हम जा रहे हैं ऊपर दामने को का जो असल पॉइंट है, जिधर से इस्लामाबाद पूरा नज़र आता है, और यहाँ से हमें जाते हुए काफ़ी टाइम लगेगा। और ये रास्ते में देखें छोटा सा जंगल भी है, ये बंदर भी हैं, कुछ खा रहे हैं, और यहाँ से बड़ा बच बचा के जाना पड़ता है। अगर आपके हाथ में कोई भी चीज़ पकड़ी होगी तो बंदरों ने आके आपसे वो खींच लेनी है। यहाँ पे बहुत रश था लोगों का, बड़े भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, स्टूडेंट भी काफ़ी आए हुए थे यहाँ पर दामने को का नज़ारा करने के लिए। ये देखिए जी, आपको काफ़ी यहाँ पर बंदर नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, लोग इनके लिए स्पेशल कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, और ये फिर बड़े मज़े मज़े से भी खाते हैं। और अगर आप इन बंदरों को कुछ नहीं कहेंगे तो ये आपको भी कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप इनसे ज़रा सा भी पंगा लिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आप बिल्कुल सेफ है, और अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी आप बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ पर जी घोड़ा सवारी भी है, और यहाँ पे हम वापसी पे लेंगे घोड़ा सवारी का नज़ारा करेंगे। ऊँट की सवारी भी है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत उन्होंने ऊँट को यहाँ पर सजा के रखा है, यानी कैमल को। लोग आते हैं आहिस्ता आहिस्ता इंजॉय करते करते फिर ऊपर तक जाते हैं। ये देखें जी, मैं साइडों एक साइड से हम जाएंगे और दूसरी साइड से हम यहाँ पर वापस आएंगे। ये देखिए जी, बंदर हमारे रास्ते में भी आ गए हैं, काफ़ी सारे हैं। ये देखिए आगे से गुजर रहे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, और हल्की हल्की धूप भी है। ये देखिए जी खूबसूरत नज़ारे। यहाँ पे बच्चे भी अपना इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं, कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं। अपनी बोतल को संभाल के रखिएगा भाई साहब। ये देखिए, वाह ज़बरदस्त, बंदरों की यहाँ पे काफ़ी तमाशे लगे हुए हैं। और यहाँ पे उन्होंने ये भी लिख के लगाया है, गंदगी मत फैलाइए, आप जो भी चीज़ खाते हैं वो आप डस्टबिन जगह जगह लगी है उधर डालते जाएँ। यह बच्चों के लिए गाड़ियाँ भी हैं जिसकी टिकट है 500 रुपया, और ये आपको तकरीबन 5 से 10 मिनट चलाने के लिए देते हैं बच्चों के लिए। ये 10 ईयर तक बच्चों के लिए हैं। और ऊपर हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं, अब यहाँ पर भी स्टॉल लगे हुए हैं, अगर आपने पानी पीना बोतल पीनी है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है। हम भी आहिस्ता आहिस्ता पैदल चलते चलते अब हम पहुँच गए हैं ये भाई साहब के पास। ये है पान वाली शॉप, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अपनी शॉप बनाई हुई है। यहाँ पे पुरानी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, बाबा कायदे आज़म और उनकी सिस्टर की भी बहुत प्यारी तस्वीर लगाई है, और उन्होंने हमारा ये पान तैयार कर दिया और हमें दे दिया है, और हमने भी इनको पेमेंट कर दी है। ये देखिए जी, मैं थोड़ा सा आपको इनकी शॉप का नज़ारा करवाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत थी शॉप। जी कैसी लगी आप लोगों को भी ये शॉप? 120 रुपये पे हमें यहाँ पे पान मिला, और हमने यहाँ से पान खाया। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ पे गोल्डन मैन भी है जी। अब हम ऊपर काफ़ी आ चुके हैं, यहाँ पे साइड पे ये जंगल भी है, थोड़ा सा मैं आपको इसको व्यू दिखाती हूँ। अब यहाँ पर हम एक बेंच था पड़ा, उधर बैठ गए हैं, और यहाँ पर अभी हमने केले निकाल लिए हैं खाने के, और ये जो बंदर है इन्होंने फौरन हमें हमसे छीन लिए। और सारे बच्चे भी जो साथ थे वो भी एकदम से डर गए, और एकदम से ही
उन्होंने झपट्टा मारा और सारे केले और चिप्स हमसे छीन ली। ये बहुत ही मज़े का सीन था, लेकिन अफसोस यहाँ पर मैं वीडियो उस तरीके से नहीं बना सकी। लेकिन इनके खाते हुए कि यहाँ बहुत से मंकी होते हैं जो आपको रास्ते में मिलेंगे। यहाँ ये जो पार्क का एरिया है, यहाँ पर बैठने की काफ़ी अच्छी जगह होती है, लेकिन ये भी यहाँ पर जो कुछ भी खाते हैं आके वो ले जाते हैं अगर हम नहीं देते तो। ये देखें मज़े, बड़े बड़े मज़े से खा रहा है जी मंकी चिप्स। अब दूसरा आएगा वो भी इसको उठा के ले जाएगा। ये केले के छिलके हम फेंक देते हैं तो वो उठा के भी साथ ले जाते हैं। देखें एंजॉय कर रहा है जी जिंदगी को खूब बंदर साहब। अब और भी बंदर इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे और बच्चे भी इनके साथ काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। कोई इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ, लेकिन ये मार नहीं रहे। अगर आप इनको खिलाएंगे, इनको प्यार से अपने पास बुलाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं कुछ कहते। यहाँ पर अब हाँ हम आगे हैं थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पर जी ये म्यूज़िक वाला आदमी है जो अपना म्यूज़िक से लोगों का दिल बहला रहा है। बहुत ही अच्छा ये म्यूज़िक बजा रहा है। चले जी सुनते हैं इसका म्यूज़िक थोड़ी देर के लिए। जो लोग ज़्यादा थक जाते हैं वो यहाँ पे पास ही करीबी बेंच पड़े होते हैं, वहाँ पर आराम से बैठकर कुछ देर स्टे करते हैं, फिर ऊपर को फिर चलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है। फाइनली हम इस टॉप पर जी आ चुके हैं। यहाँ से आपको पूरा इस्लामाबाद दिखाई देगा। वाओ, बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़ारा है। यहाँ से पूरा इस्लामाबाद आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा मुझे आगे और जाने दे। ये जी अब हम टॉप पे हैं। अब यहाँ से फिर नीचे उतर के सामने से मैं आपको दिखाती हूँ इसका पूरा व्यू। यहाँ पे बादल काफ़ी है इसलिए सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर सेंटोरस मॉल, सारी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, यू टावर वगैरह वाली, वो सारी इधर से अगर मौसम साफ हो तो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पर असर के बाद आएं तो फिर आकर यहाँ का नज़ारा करें तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर काफ़ी बादल छाए हुए थे, लोग बहुत ही मज़े से इस्लामाबाद का नज़ारा ले रहे थे। यहाँ पर हमने भी थोड़ी देर इधर उधर देखा इस्लामाबाद को कि कैसा लग रहा है। दिन के टाइम भी अच्छा लग रहा है, लेकिन रात के टाइम तो इसका बहुत ही खूबसूरत सीन होता है। तकरीबन हम भी यहाँ पर 15 मिनट तक स्टे किया और कुछ खाया पिया, फिर हम वापसी जाने के लिए तैयार हो गए। ये हम वापस अब जा रहे हैं। वापस जाने के लिए रास्ता हम दूसरी साइड अब चेंज करेंगे। उधर से भी बहुत अच्छा और खूबसूरत ये पार्क दिखाई देगा। ये अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड से। ये काफ़ी बड़ा पार्क बना है, हम जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं, बस यही कुछ लगा हुआ है यहाँ तक। रात के अगर गर्मियों में आ रहे हैं तो 11 बजे तक यही कुछ चलता रहेगा। यहाँ पर ये बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत गुब्बारों का स्टॉल लगाया हुआ है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे खिलौने भी हैं। और यहाँ चलिए ये अब यहाँ पर देखते हैं ये भाई सब क्या कर रहे हैं। ये जी गुब्बारों को लगा रहे हैं निशाना। इनके भी आए हैं पार्क में घूमने के लिए। ये अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारा ट्रिप कम्प्लीट नहीं हुआ, आगे भी बहुत कुछ है, आपको दिखाते हैं वापसी पर हमारे साथ क्या क्या हुआ। चलिए जी अब हम जा रहे हैं वापस और वो भी दूसरी साइड से। यहाँ पर जी हमने रास्ता इख्तियार कर लिया जाने के लिए कि ये कैसा है जी। बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पे बहुत सी फैमिली आती हैं यहाँ पे घूमने के लिए, और यहाँ पर ईद के दिनों पर भी लोग ज़्यादा विज़िट करने आते हैं। कुछ लोग घरों से ही खाना पका कर ले आते हैं और फिर यहाँ पर बैठ कर खाते हैं, और कुछ लोग यहाँ से ही रेस्टोरेंट से ही ख़रीद लेते हैं और
कुछ लोग यहाँ पे और बहुत से छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं, उनसे भी लेकर खाते हैं। एक और मज़े की बात बताऊँ, दामने कोव में थोड़ा सा ऊपर जाएं तो मनाल रेस्टोरेंट भी हैं, वहाँ पर अच्छा खाना मिल जाता है। वापसी पे आते हुए हम इतना नहीं थके जितना हम जाते हुए थके थे। वापस आना बहुत ही आसान है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पार्क है और मुख्तलिफ जगहों पर बैठने के इंतजाम भी हैं। फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर आगे को निकल जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी रश है और बंदर भी आसपास काफ़ी घूम रहे हैं। बाहर निकला करें, जब हम बाहर निकलते हैं तो ख़ुद को भी अच्छा फील होता है। ये पार्क की जो दूसरी साइड है ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर भी मॉन्की इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं। अब जी हम आ गए हैं कि घोड़ा सवारी के लिए। यहाँ पे बच्चे बैठ रहे हैं घोड़े पे और यहाँ पे ये 300 रुपया सवारी का, घोड़ा सवारी का लेते हैं। और पीछे से ना जंगल है, उधर से इसका चक्कर लगवाते हैं। तकरीबन इनको आने जाने में 10 मिनट लगे हैं। चलिए जब तक ये जाते हैं तब तक हम और थोड़ा सा आगे का विजिट करते हैं। यहाँ पर कैमल को भी बड़ा खूबसूरत सजाया हुआ है। अच्छी यहाँ पर अब आगे थोड़ा सा होते हैं और इससे भी और खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। ये पीछे से आपको ये जंगल नज़र आएगा, यहाँ पर लिख दिया हुआ है खुदा हाफिज़। हमने भी समझा चले जी खुदा हाफिज़, अब हम चलते हैं घर को। लेकिन अभी आगे भी बहुत कुछ है। ये तो पार्क का एक साइड थी, ये अभी दूसरी साइड है पूरी देखने वाली। यहाँ पे पूरी पूरी फैमिली आई हुई है और बैठी है, ज़िंदगी को कर रही है एंजॉय। यहाँ दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ ये जंगल, जो छोटा सा जंगल बना है और वहाँ पर लोग बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। ये मॉन्की है, फिर आगे है मॉन्की हमारे पास। ये खाने को उनको कुछ दिया है, पता नहीं खाते हैं या नहीं खाते। चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए जी खूबसूरत रक्स हो रहा है, वो भी पठानों का। ये बहुत अच्छा म्यूज़िक का इंतज़ाम करके आए थे और उस म्यूज़िक पे ये रक्स कर रहे हैं। यहाँ पर हम भी 5 से 10 मिनट रुके, इनका रक्स देखा और फिर आगे बढ़े। चलें जी आप भी थोड़ा सा एंजॉय करें इस रक्स को। ये जी दूसरी साइड पे, यहाँ पर ये भी एक छोटा सा साइड पे जंगल है। और ये देखे ये बहुत बड़ा पार्क है, काफ़ी खुला एरिया है। यहाँ पे शाम के टाइम बहुत रश होता है दिन की निस्बत। यहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। अब हम भी गेट से निकल चुके हैं और यहाँ पे दामनी कोह को कर दिया खुदा हाफिज़। और अब हम अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। जी अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, क्योंकि हमारी गाड़ी आ चुकी है। अब हम गाड़ी में बैठेंगे और रिटर्न घर को वापस। यहाँ शाम के 5 बज चुके हैं। आमतौर पर बंदर पिंजरों में देखने को मिलते हैं, मगर दामने कोह के मकाम पर आपको अक्सर तादाद में बंदर जो है आज़ाद और मुख्तलिफ शरारतें करते हुए मिलेंगे। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे और इसे कर दें लाइक, और साथ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं किसी शानदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।
हम।